112 की का विशेष बात यह है कि आज के दिन आपको पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, आप 100 डायल करते हैं। आपको फायर की आवश्यकता होती है, 101 करते हैं। एम्बुलेंस के लिए 102 करते हैं। 112 एक समेकित और इंटरनेशनली नोन नंबर है, जो जिसके माध्यम से जो भी आपात की स्थिति होती है, कोई इमरजेंसी होता है, तो पब्लिक उसको 112 को डायल कर सकता है। विशेष यह भी है कि मात्र डायल फोन से नहीं बल्कि SMS भी डाल सकता है, उसके वेब पोर्टल में भी डाल सकता है, उसको कई तरह से एक्सेस किया जा सकता है। और अगर फोन में उसका ऐप डाउनलोड कर लें तो मात्र जो पैनिक बटन है उसको दबा देने से भी उसका कंट्रोल रूम में खबर पहुंच जाएगा और उसको कॉल बैक तुरंत मिल जाएगा। और ये जो 400 व्हीकल लगाए गए हैं उन सब में मोबाइल डेटा टर्मिनल्स हैं, और यहाँ पर जो आपका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसमें कॉल टेकर्स एक पाली में 90 कॉल टेकर्स लगाए गए हैं, यानी 3 पाली में 8-8 घंटे के पाली में 270 कॉल टेकर्स लगाए। और उसके अलावा डिस्पैचर्स जो वाहनों को डिस्पैच करेंगे वो 24 लगाए गए हैं एक पाली में, यानी 3 पाली में 72 लगाए गए। जैसे इंफॉर्मेशन आएगा, कोई फोन कॉल आया तो यहाँ पर जो कॉल टेकर है उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि कहाँ से कॉल आया। यह जो टेलीफोन कंपनियों के साथ यह व्यवस्था कर ली गई है कि सीधे पता चल जाएगा कहाँ से कॉल आया है, उससे रजिस्टर किया जाएगा कंप्लेन, उसको जैसे ही फर्स्ट हो जाता है क्या मैटर है, इसमें फायर का और एम्बुलेंस का भी यहाँ लिया जाएगा, पुलिस तो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसका कॉल डिस्पैचर के पास चला जाएगा और वो तुरंत, चूंकि पूरे एरिया में बटे हुए हैं ये वाहन, उसको कंसर्न वाहन को वो सूचित करेगा, साथ में थाना इत्यादि को भी करेगा, वो वाहन तुरंत डिस्पैच होगा। और अधिकतम समय पूरे राज्य में 20 मिनट से 45 मिनट से अधिक नहीं लगेगा कि जो इमरजेंसी हुआ उससे रिस्पॉन्स हो जाए, पुलिस का हो जाए, एम्बुलेंस का हो जाए, फायर हो जाए। तो यह पूरी कल्पना बहुत बड़ी है और बहुत आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया है कि इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए मैन पावर चाहिए, उसके लिए वाहन चाहिए, उसका पूरा द्वितीय चरण भी साथ में लाया जाए और अविलंब लाया जाए ताकि पूरे राज्य में इसे लागू किया जा सके। मैं इतना पर रुकूंगा, मैं अनुरोध करूंगा IG हेडक्वार्टर से जो इसमें बताएंगे आपको इसकी और डिटेल में क्या व्यवस्था की जाएगी। सब कुछ डिटेल में बता ही दिया है कि जैसा कि अभी हम लोग गाइडेड टूर में जाकर वहाँ पे देखेंगे भी कि जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ बनाया गया है, पूरे बिहार से कॉल यहाँ पर आएंगी। जैसे ही कॉल आएंगी तो जो कॉलर होगा उसका नाम और जो कॉलर है उसका लोकेशन भी यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद जो डिस्पैचर होगा उसके पास रियल टाइम में वो दिखता रहेगा कि कहाँ से कॉल आया है और उसकी नज़दीकी ERV गाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे हैं। तो घटना की उसकी महत्ता को देखते हुए, उसकी ग्रेविटी को देखते हुए तुरंत थाना की गाड़ी भी जा सकती है, ERV भी जाएगी और उसमें जो संबंधित DMSP है उनको भी सूचना दी जाएगी। तो ये जो आज हम लोग के लिए प्रयास किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी पब्लिक अगर कोई भी उनकी जो आपात स्थिति में जो भी सूचना देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और उसको एकीकृत तरीके से उसको यहाँ पर इंटीग्रेटेड तरीके से उसका निस्तारण किया जाएगा, उसका डिस्पोजल किया जाएगा। जितनी भी सूचनाएं प्राप्त होंगी उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे उसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और जो भी व्यक्ति जो विक्टिम होंगे या जो कॉलर होंगे सूचना देने के बाद यहाँ से जो हमारे सुपरवाइजर होंगे जो पटना स्थित कमांड सेंटर के, वो हर कॉलर से उनको घटना के बाद फीडबैक लेंगे कि आपकी ये घटना थी, उसके बाद आपके ये गाड़ी गई या थाना की गाड़ी गई, उनसे फीडबैक लिया जाएगा और हर फीडबैक को भी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका ऑडियो ट्रेल रहेगा। जितनी भी सूचनाओं का आदान प्रदान होगा उसका डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा, तो ताकि देखा जाएगा कि कब सूचना आई, कब गाड़ी गई, कब उनके पास डिस्पोजल हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा एक है यहाँ की आम जनता के लिए, बहुत ही अच्छा प्रयास आज से किया जा रहा है। DGP सब रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड डिटेल में तो सब बता ही दिया गया है। मैं बस एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को और हायर लेवल पर ले जाने के लिए कुछ समय और लगेगा, उसके लिए जमीन का आवंटन हुआ है और जमीन के आवंटन के साथ साथ उसमें शिफ्ट होगा, उसमें तो कई साल लगेगा। लेकिन अभी जो ये व्यवस्था बनाई गई है
ये व्यवस्था यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है वो बनाई गई है, और इसके अंदर जो प्रशासन की जो रीच होनी चाहिए सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट्स पर, सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस पर, उस रीच को पूरा करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है वो सरकार के द्वारा लिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बिल्कुल स्पष्ट डायरेक्शन दी है कि इसका जो फेज टू है उसको जितना जल्दी हो सके लेके जाए, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी जो दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को कैसे दूर करना है, कैसे उनकी पूरा करना है उस पर। और अभी मैं अनुरोध करूंगा आप ईआरएसएस पर अभी टूर पे भी जाएंगे, ईआरएसएस की पहले बात कर ले फिर और बात करें। सर सवाल यह है कि सर बिहार कई राज्यों से पीछे है अभी भी इस मामले में, कब तक पूरा माना जाए, कब तक पूरा पूर्ण रूप से पूरे बिहार में चालू हो जाएगा? देखिए मैंने आपको बता दिया कि आज बहुत स्पेसिफिक जो है निर्देश मिले हैं फेज टू के लिए। फेज वन तो हमने लागू पूरा कर दिया है, पूरा मैन पावर, गाड़ियां, कंट्रोल रूम जो सेंट्रल है वो, जीरों के कंट्रोल रूम और सब ट्रेन मैन पावर लगा दी है। और फेज टू में हम लोग बहुत जल्दी से काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस साल का अंत होते होते वो पूरी तरह बिहार में लागू। क्या टाइमिंग रखे गए हैं और मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आज से उसका अलग से काम करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जो गाड़ियों की संख्या है वो 1200 प्लस है और 1500 प्लस जो है वो मोटरसाइकिल भी है, और मैन पावर जो है वो 30000 प्लस मैन पावर इसमें जो है उसकी अरेंजमेंट भी करनी है। तो कुल मिला जुला करके जो व्यवस्थाएं हैं जितना भी हमने काम कर लिया है उसको, जो द्वितीय चरण है उसको बहुत तेजी से काम पे लग के और इस साल के अंत होने से पहले पहले हर हालत में पूरे बिहार में। एक और सवाल है सर कि इस पे जो भी पुलिस कर्मी है ऑफिशियल से क्या विशेष ट्रेनिंग दी गई है? हाँ बिल्कुल इन सब लोगों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है और इनकी ट्रेनिंग लगातार जो है अभी भी चल रही है, क्योंकि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि जो प्रथम रिस्पॉन्स है उस समय जो 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 विक्टिम है वो ट्रॉमा में होता है, तो उससे बहुत सहानुभूतिपूर्वक बात करना, उसकी समस्या को समझना, उसकी मनस्थिति को समझना और उसके बाद जो उसकी उम्मीदें हैं उसको उसी कम से कम समय में पूरा करना, उसके लिए इन सब लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दी गई और आगे भी ट्रेनिंग। मैं बता रहा हूँ अभी जो व्यवस्था है वो ये है कि ड्राइवर के अलावा एक पदाधिकारी और दो अन्य जवान होंगे और उसके अंदर और भी गाड़ी में अरेंजमेंट है, फर्स्ट एड बॉक्स है, कैरी करने के लिए स्ट्रेचर वगैरह वो सब चीजें जो है वो और जो फोल्डेबल चेयर है, एक सीट है वो भी लगाई गई है, ताकि जो वो गाड़ी है वो अपने आप में पूर्ण रहे, जो वो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट की तरह वो एक्ट कर सके। आज से लोकार्पण हुआ तो कितनी पुलिस बल की फिलहाल तैनाती की गई है जिसमें कि सभी लोगों को? मैं बता रहा हूँ कि जो कंट्रोल रूम चल रहे हैं हमारे, तो कंट्रोल रूम पटना के बारे में इसे सामने पूरा डिटेल में बता ही दिया है, गाड़ी के बारे में मैंने बता दिया, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 4 आदमी ड्राइवर को मिला के मल्टीप्लाइड बाय 3 पाली, वो सब आप जो है वो देख सकते हैं कितना हमने अरेंजमेंट कर दिया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जिला के जो समन्वय सेंटर है, हर जिले में समन्वय सेंटर खोल लिया है, तो ये जो समन्वय सेंटर जिला के हैं और जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है ये तो पूरे प्रोजेक्ट के लिए हो चुका, एक ही बारे में पूरे प्रोजेक्ट के लिए हो चुका। द्वितीय फेज में सबसे पहले गाड़ियों की संख्या बढ़ानी है, मैन पावर को बढ़ाना है, उनको ट्रेनिंग जो है वो देनी है और उसके साथ साथ जो दो पहिया वाहन हमें जो क्रय कर रहे हैं उस पर काम करना है, उसमें भी जो है हर दो पहिया वाहन पे 2 या 3 आदमी जैसे भी होगा हम उस पर विचार करके उसकी व्यवस्था करें। आपको मैं कह रहा हूँ कि ये क्या मैं नागरिक नहीं हूँ बिहार का, जब मैं नागरिक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ सभी के लिए और इमरजेंसी के लिए कोई भी जो कॉल है उसमें तो वो करेंगे ना, आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं 112 दवाई है ना, सब वेरीफाई हो जाए, आप कहेंगे तो गाड़ी आ सकती है। नहीं नहीं आप ट्राई करके तहसील कर लीजिए ना, देखिए पुलिस की अन्य व्यवस्था भी चलती रही, ये नहीं कि पूरा। अच्छा मैं सवाल आपका समझ नहीं पाया, मुझे दोबारा से बोल दीजिए एक बार सवाल। सूचना देता है पुलिस को 112 पे कॉल करता है तो क्या इसमें गाड़ी वहाँ पहुँचेगी? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जो इमरजेंसी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि हमने एकीकृत कंट्रोल रूम खोल रखे हैं इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई अन्य
जानकारी देना चाहता है या अन्य समस्याएं जैसे फायर से जुड़ी है, हेल्थ से जुड़ी है, मतलब मेडिकल से जुड़ी हुई है, प्रोविजन से जुड़ी हुई है, तो इमीडिएटली हमारे जो कंट्रोल रूम में उपलब्ध दो है वो कंसर्न को कॉल को इमीडिएटली वहां पर खबर करके और जो उनका तंत्र जो ऑलरेडी चल रहा है वो तंत्र ऑपरेशन में आ जाएगा और वो काम करेगा। जो जो सूचना है वो डायरेक्टली उस तंत्र को भी दी जा सकती है और हमारे इस कंट्रोल रूम के माध्यम से सुबारा के माध्यम से भी उनको दी जा सकती है। सर इससे अलग सर सवाल है सर कि ये सेकंड फेज जो है वो इस साल के लास्ट तक हो जाएगा, पूरा स्टेट कवर हो जाएगा। हाँ पूरी स्टेट कवर हो जाएगी। और हम आपको ये भी मतलब कहना चाहेंगे कि जो हम देखिए हमारी स्टेट में जो काम का जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा है, हमारी स्टेट की आबादी भी बहुत ज्यादा है, तो ये हमारी स्टेट के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन हम इसको इतना बढ़िया कवर करेंगे कि ये हमारे देश में जो है बिल्कुल शुरू के दो तीन के अंदर। हम इसको और रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि हमारे जो तंत्र है, हमारे जो स्टेबल जो एग्जिस्टिंग तंत्र है वो भी तो ऑपरेट करेंगे ना, ये सब व्यवस्था ये तो ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग तंत्र की है। सर आरा में दो समुदाय के बीच सर आपसे सुनिए ना अभी हम ये बात करें, इस पर अलग से बात कर लेंगे। और पुलिस की क्या कुछ तैयारी है सर? मैं आपको बता रहा सर, आपने लोकल थाना का जिक्र किया है, लोकल थाना की क्या रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी होंगी? किसका? नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको चीज क्लियर करता हूँ। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ उत्तर प्रदेश का, उसमें आपको पिक्चर और क्लियर। उत्तर प्रदेश में ये जो सिस्टम है ये सबसे पहले और सबसे वृहद पैमाने पर लागू किया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था के फलस्वरूप 80% जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट के काम हैं, वो यही ईआरबी पूरी कर देती है। तो ये सामाजिक परिवेश पर भी निर्भर करता है बहुत हद तक। तो 80% तो वो ईआरबी व्हीकल का काम कर देती है और 20% जो काम है वह 20% काम फिर वो थाना या उससे बड़े पदाधिकारियों के लिए जाता है। तो इससे आप कुछ मैच करके देख सकते हैं कि बिहार की जो व्यवस्था है मोटा मोटा वो भी इसी तरह से कुछ चलेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि ईआरबी जो है वो अधिक से अधिक इफेक्टिव हो और उसके बाद हमारे थाना सर्कल सब डिवीजन ऑफिसर्स और डीसी ऑफिसर्स को अवेलेबल रहे। इस सिस्टम में एस्केलेशन का प्रावधान किया गया है, अगर ज्यादा सीरियस या ज्यादा ग्रेविटी का अगर कोई क्राइम है या कुछ इंसिडेंट है तो इमीडिएटली थाने को इवन एसपी साहब तक इन्फॉर्मेशन यहीं से चला जाए ताकि कोई भी लेवल को आवश्यकता हो कवर कर सके। और एक बस आखिरी सेंटेंस जो है वो जरूर बोलूंगा मैं, आप लोगों ने देखा होगा पिछले 25 दिनों से जो भी स्थिति प्रिवेल कर रही है, कभी कभार उसके अंदर तनाव की बात भी आई, कुछ स्टेट में इंसिडेंट भी हुए, लेकिन हमारी स्टेट के अंदर पूर्ण रूप से शांति है और कम्युनल फ्रंट पर हमारी पुलिस हमारा प्रशासन हमेशा से एक्सीलेंट काम करता है और आगे भी एक्सीलेंट काम। तो क्या आर्मी फोर्सेस लगाया गया है या कुछ कैसे हम लोग वो हम लोग जो है एडिशनलिटी यहाँ से भेज के वो सब काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें और जगह भी कुछ कुछ करना पड़ा है, वो शायद अभी जानकारी आपको नहीं है या मिल जाएगी तो हम लगातार काम कर रहे हैं। जुड़ा हुआ सवाल है, आप लगातार अपडेट हो रहे हैं, बिहार पुलिस की तारीफ भी हो रही है, लेकिन खास तौर पर पटना में ही देखा जाता है पुलिस हेडक्वार्टर के सामने भी इंक्रोचमेंट है, कई सारे जो महत्वपूर्ण इलाके हैं इंक्रोचमेंट है, पुलिस को जिम्मेदारी जो निभानी चाहिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें सर और एक्टिव होने की जरूरत है। देखिए ऐसा है ना, एंक्रोचमेंट एक मिनट, ऐसा है एक प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पर, अब एंक्रोचमेंट हटाना केवल पुलिस का काम नहीं है, इसके अंदर मिल बैठ करके काम होता है, जो और डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए तो काम होगा। शायद आप लोग जो है वो पुलिस से उम्मीदें कोई कोई जरूरत से ज्यादा मतलब पाल के रखते होंगे। कहने का मतलब ये है कि अन्य प्रशासनिक व्यवस्था आपको सहयोग नहीं कर रहा? नहीं ये हमने नहीं कहा, आप हमारी बातों को तोड़ मोड़ के प्रयास ना करें कृपया, मैं बहुत साफ साफ बात कह रहा हूँ ना, मैं कोई उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे बिना मजिस्ट्रेट के इंक्रोचमेंट हटती नहीं है, ये बात आप ही जानते हैं। नहीं ये मैंने नहीं कहा नहीं मिल रहा, मैंने कहा कि सब डिपार्टमेंट को तालमेल बिठा के काम करने की बात है, बंद करने की। सर जान की समस्या बनी हुई है सर, जो पुल वगैरह सर काफी बन रहा है, जिस सरकार सर काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुल या स्टेशन की ही बात ले लीजिए सर, अब तो जान की समस्या वहाँ बनी रह रही है सर, कोई देखने वाला नहीं रहा। देखिए मैं नहीं कहूँगा
जो ट्रैफिक का अरेंजमेंट है वो हम पहले की अपेक्षा में और अच्छा हम लोगों ने किया है, लेकिन जाम की समस्या या और भी चीजें इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ बॉटलनेक्स भी रहते हैं, इस पर अभी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने आपको दो जनरलाइज स्टेटमेंट दिया, एक कम्युनल सिचुएशन के बारे में और एक जो अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन की जरूरत के आधार पर जो काम करने हैं उसकी बात है। अभी भी तो सब कोऑर्डिनेशन से काम हो ही रहा है, इसमें कहीं कोई कमी तो रखी नहीं गई। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।